नमस्कार दोस्तों, बेहतर स्वास्थ्य के लिए सूरज की रोशनी को गतिशील और जीवन से परिपूर्ण माना जाता है, लेकिन गर्मियों में यही सूरज और इसकी तीखी रोशनी मनुष्य जीवन के लिए घातक और मारक बन जाती है। गर्मियों में यदि आप अपना ज़्यादा समय धूप में व्यतीत करते हैं तो लू लगने की पूरी संभावनाएँ होती हैं। तो दोस्तों, घबराइए नहीं, आज के इस एपिसोड में हम अपने चैनल पर लेकर आए हैं भारत के ग्रामीण इलाके के कुछ स्वादिष्ट पेय जिनसे लू और गर्मी से जुड़ी समस्याओं से निजात पाया जाता है, जिसे हम अनुभव के आधार पर कह सकते हैं इस तरह के देसी नुस्खे बड़े असरकार होते हैं, साथ ही साथ ये स्वादिष्ट भी हैं। इस तरह के पारंपरिक पेय पदार्थों का जिक्र इसलिए किया जाना जरूरी है क्योंकि ये आपके उत्तम स्वास्थ्य के लिए वरदान साबित हो सकते हैं और आपको और आपके परिवार को बंद बोतलों के बुलबुलों और क्षार युक्त स्वास्थ्य के लिए घातक परिणामों वाले पेय पदार्थों से दूर ले जाने में मदद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं महाराष्ट्र के मेलघाट वनांचल के लोग घुरिया नाम के एक पारंपरिक पेय को तैयार करते हैं। ये एक ऐसा हर्बल पेय है जिसमें आम, पुदीना, नींबू, अदरक और धनिया को उपयोग में लाया जाता है। लगभग 250 ग्राम कच्चे आम के फलों को 500 मिलीलीटर पानी में 15 से 20 मिनट तक उबाला जाता है, फिर 250 मिलीलीटर ठंडा पानी उसमें मिला दिया जाता है। इस पानी में उबले आम को लेकर मसल दिया जाता है और इन मसले हुए आमों पर पुदीना की पत्तियों का ताज़ा रस 1 चम्मच, नींबू का रस 2 चम्मच और थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ अदरक और 1 चम्मच धनिया पत्तियों का रस और शक्कर 2 चम्मच और काला नमक स्वादानुसार 1 या आधा चम्मच मिला दिया जाता है और इस तरह तैयार हो जाता है घुरिया। लू लगने पर 1 गिलास घुरिया दोपहर खाने के बाद पीने से अतिशीघ्र आराम मिलता है। महाराष्ट्र के ही नंदुरबार और नासिक जिले के कोंकणी लोग एक स्वादिष्ट और शीतल पेय तैयार करते हैं जो अंगूर और नींबू का जबरदस्त मिश्रण होता है। इस मिश्रण को तैयार करने के लिए लोग 4 नींबू का रस निचोड़ लेते हैं और इस रस में लगभग 4 मिलीलीटर अंगूर का रस मिला देते हैं। इस मिश्रण में लगभग 2 ग्राम सौंठ चूर्ण, 2 चम्मच शक्कर भी मिला ली जाती है और इन्हें अच्छे से घोल लेते हैं। उसके बाद लगभग 0.5 लीटर पानी इसमें डाल दिया जाता है और अच्छी तरह से घोलकर मेहमानों को ठंडा ठंडा पिलाया जाता है। यह लू के थपेरों की मार को जल्द से जल्द ठीक करता है। अंगूर और नींबू का मिश्रण है ना अजीब। गर्मियों से त्रस्त राजस्थान के लोग ठंडाई का भी पारंपरिक पेय के रूप में मजा लेते हैं। साथ ही इस पेय को लू के प्रभाव को कम करने के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। ठंडाई बनाने के लिए बादाम की गिरी 15, कद्दू के बीज 3 चम्मच और चुटकी भर इलायची चूर्ण को लेकर 50 मिलीलीटर पानी में डाल दिया जाता है और मिक्सर में इसे पीस लिया जाता है। इसका एक पेस्ट बन जाता है। इस पेस्ट को 1 लीटर दूध में डालकर अच्छी तरह मिला लिया जाता है, फिर गुलाब की कुछ पंखुड़ियों से सजाकर इसे परोसा जाता है और इस पेय का आनंद लिया जाता है। ठंडे और पारंपरिक पेय पदार्थों की अगर मैं बात करूं और पंजाब की लस्सी का जिक्र ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। जो इसे एक बार पीता है बार बार पीना पसंद करता है। यह लस्सी जहाँ लू के इलाज के लिए उत्तम मानी जाती है, वहीं इसे प्यास बुझाने वाला पेय भी कहा जाता है। 1/2 चम्मच जीरा हल्के भूरे रंग का होने तक भून लिया जाता है। दूसरी तरफ एक मिक्सर में 250 मिलीलीटर दही, 1 कप बर्फ, 20 ग्राम अंगूर, चुटकी भर नमक और लगभग 50 ग्राम शक्कर डाल दी जाती है और मिक्सर को 2-3 बार चला दिया जाता है ताकि सारा मिश्रण एक जैसा हो जाए। इसे ग्लासों में निकालकर उस पर भुना हुआ जीरा बुरक दिया जाता है और तैयार हो जाता है गर्मी को जवाब देने वाली पंजाब की अंगूरी लस्सी। सूरज की तीखी किरणों और खतरनाक लू के थपेरों से बचने के लिए उत्तराखंड के लोग एक स्वादिष्ट पेय तैयार करते हैं जिसे हम लोग कोघड़ कहते हैं। इसे बनाने के लिए लौंग की 6 कलियां, चुटकी भर जयपत्री और लगभग 1 चम्मच सौंफ ली जाती है और इन्हें कुचलकर चूर्ण तैयार किया जाता है। 1 लीटर पानी को गहरे बर्तन में उबाला जाता है। जब पानी उबलने लगे इसमें उस चूर्ण को मिला दिया जाता है। लगभग 2 मिनट के बाद इस पानी में 750 ग्राम शक्कर डाल दी जाती है और तब तक उबाला जाता है जब तक यह पानी आधा ना हो जाए। आधा बचने के बाद उबलना बंद हो जाता है और इसे अच्छी तरह से ढक दिया जाता है। इसी दौरान दूसरी तरफ 10 नींबुओं का रस निकाल लिया जाता है, साथ ही लगभग 5 ग्राम ताज़ा अदरक कद्दूकस कर लिया जाता है। उबालकर तैयार किए गए मिश्रण में इन दोनों को मिला दिया जाता है। इसी मिश्रण को कोघड़ कहा जाता है। कोघड़ को कांच के जार या किसी बर्तन में डालकर किसी ठंडे स्थान या रेफ्रिजरेटर में रख दिया जाता है। तपतपती धूप के दौर में 4 चम्मच कोघड़ को 1 गिलास पानी में मिलाकर पिया जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभकारी होता है। बेल की शरबत, आम पन्ना, नींबू पानी, इन सब चीज़ों से तो हम सब परिचित हैं और ये प्रयोग में लाते ही। गुजरात में एक कमाल की छाछ बनाई जाती है जिसमें 1 कप दही ली जाती है और उसमें 1 गिलास पानी मिलाकर अच्छे से घोटा जाता है। दूसरी तरफ
5-6 मीठी नीम यानी कि कड़ी पत्ता, 2 ग्राम कद्दूकस किया हुआ अदरक, चुटकी भर हींग, 2 हरी मिर्च और थोड़ी सी धनिया की पत्तियों को नमक स्वादानुसार मिलाकर कुचल दिया जाता है और घोटे हुए दही पानी में मिलाकर ये बेहतरीन छाछ बनाया जाता है, जिसको भोजन के बाद पीने से पाचन क्रिया भी नियंत्रित रहती है। तो दोस्तों, बोतल में बंद बाजार में बिकने वाले पेय पदार्थ ना केवल आपके जेब को हल्का करते हैं बल्कि सेहत के लिए भी बहुत बुरा होता है। इसीलिए अपने पारंपरिक और हर्बल ज्ञान का इस्तेमाल कीजिए और गर्मी से खुद को बचाइए। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल पर आते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।